संजय सिंह उजीना वन एवं खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आज नूह पहुंचे। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पेश किए गए बजट को लेकर संजय सिंह उजीना वन एवं खेल मंत्री राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हरियाणा सरकार ने झिरकमल भाजपा कार्यालय नूह में पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की जमकर सराहना की। उन्होंने बजट को किसान व्यापारी मजदूर एवं सभी वर्गों के हित में बताया। वन एवं खेल मंत्री संजय सिंह ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के जो नेता बजट पर सवाल उठा रहे हैं वह अपने गिरेबान में झांक कर देखें। उन्होंने कहा है कि जब केंद्र व राज्य में 10 साल कांग्रेस की सरकार थी उसकी तुलना में कई गुना ज्यादा विकास भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय राज्य की सरकार के समय में हुआ है। वन एवं खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने कहा कि उनके विभाग के द्वारा जो एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया जा रहा है उसमें करोड़ों के पेड़ प्रदेश भर में लगाए जाएंगे। गुरुग्राम नूह सहित प्रदेश भर के सभी जिलों में बड़ी संख्या में पेड़ लगाए जा रहे हैं। इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। उन्होंने कहा यह भी कहा कि जो पुराने वृक्ष हैं उनके मालिकों को पेंशन देने की एक नई योजना राज्य सरकार ने शुरू की है। इसके अलावा उन्होंने राज्य सरकार की आयुष्मान योजना सहित कई योजनाओं की जमकर सराहना करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश की जनता को कुछ नहीं मिला था। भाजपा की सरकार ने युवा किसान गरीब सभी के हित में फैसले लिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को हमारी सरकार ने अप्रेंटिसशिप का मौका दिया और इसके अलावा किसानों की बहुत सी फसलों पर MSP बढ़ाई गई। किसानों के हित में फैसले लिए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि खेल विभाग राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के लिए इनामी राशि से लेकर नौकरी तक दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि नूह जिले में न केवल पेड़ ज्यादा से ज्यादा संख्या में लगाए जाएंगे बल्कि फिरोजपुर झिरका शहर के समीप जिला स्तरीय खेल स्टेडियम में भी उसको भी जल्द बनाया जाएगा। खेल स्टेडियम जो पहले से बने हैं उनमें कोच इत्यादि की भर्ती की जाएगी। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब उनके द्वारा पेश किए गए बजट की जमकर तारीफ की तो कांग्रेस को निशाने पर लिया। आप देख रहे नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दूसरा सरकार चलाने के लिए ये बजट लाया गया है, बिहार और आंध्र प्रदेश को सीधा सीधा फायदा इस बजट में दिया गया है, आप इसको कैसे देखते हैं? जहां तक असीम जी मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा, जो हरियाणा ने कहा या कांग्रेस ने कहा कि हरियाणा के साथ हल्का हरियाणा कोई हिस्सा नहीं है, पिछले 10 सालों में जब केंद्र में कांग्रेस सरकार हुआ करती थी हरियाणा में कांग्रेस सरकार थी, मात्र 41,000 करोड़ रुपए हमारे प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा आया था। लेकिन उन 10 सालों की अगर हम बराबर की तुलना करें, 10 साल कांग्रेस के और 10 साल अपने भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के, करीब करीब 2-2.5 लाख करोड़ रुपए जो केंद्र से आया, ये अपना में एक बहुत बड़ी तुलना है। कहाँ कांग्रेस टाइम में 41,000 और कहाँ 2-2.5 लाख करोड़ रुपए, तो बहुत बड़ी बात है। तो इस चीज से लोगों को सब पता लगता है कि उनकी मंशा क्या थी हरियाणा के प्रति। और इतना ही नहीं, मैं समझता हूँ जो हमारे प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो पहले जो मैं समझता हूँ जो नीतियां बनाई जो आम आदमी के लिए जो इतनी प्रभावी नीतियां जो पूरे देश में जो लागू हो रही है, वो अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। एक पेड़ माँ के नाम इस योजना के तहत प्रदेश भर में कितने पेड़ लगाए जाएंगे? दूसरा, आपके पास वन और खेल, नूह जिले में खेल स्टेडियम नहीं है, पौधों की कमी है, पेड़ों की भी कमी है, तो ऐसे इसको ऊपर उठाने के लिए क्या प्राथमिकता? हमने अभी जो पिछले उसमें जो तय किया है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं समझता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जो एक पेड़ अपनी माँ के नाम जो लगाने का जो आह्वान पब्लिक से किया, आम लोगों से किया। सरकारें काम करती हैं, सरकारें लोगों के स्वास्थ्य के लिए, लोगों के ठीक ढंग से रख रखाव के लिए काम करती हैं, सरकार को बिजनेस नहीं करती। और इसको हर जब तक जन आंदोलन मुहिम नहीं बनाई जाएगी, जब तक चीजें कामयाब नहीं होती,
इसलिए मोदी जी ने भी आग्रह किया हर व्यक्ति से कि एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाएं, और हमने करीब हरियाणा में करोड़ों पेड़ लगाने का जो हमने संकल्प लिया है, जिसमें हमने पिछले महीने करनाल में 25,000 पेड़ लगाए, हमने गुड़गांव में करीब करीब 45-50,000 हमने पेड़ करनाल में गुड़गांव में लगाए हैं, मेवात में भी हमने 5,000 पेड़ अभी पीछे 10 दिन पहले हमने खोरी में एक बहुत बड़े रंगाड़ा गांव में वहां पर लगाए। और जहां तक मैं खेल की बात करूं, हमारे जो सरकार में जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार संभाली है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो मेवात को स्टेडियम देने की बात की थी, उसकी प्रपोजल चल रही है, सोच बुझल काम वो स्टेडियम बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा। जहां तक कोच की बात है, हमने जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, हमने जो चाहे गोल्ड मेडलिस्ट कोई रहा हो, इंटरनेशनल जो भी पार्टिसिपेट गेम में किया है या गेम में कोई भी अचीवमेंट किए, उसको प्रदेश में स्पोर्ट्स में नौकरी देने का काम किया है, और जिसके आधार पर बहुत सी जो वैकेंसी है जो खाली पड़ी थी उस टाइम में, हमने उनको भरा है। और सरकार संकल्पबद्ध है, हम किसी भी इस प्रकार के खिलाड़ी को हम कहीं भी वंचित नहीं रहने देंगे, उनको पूरा मान सम्मान और प्रदेश में उनको नौकरी देने का काम करेंगे, जिनसे प्रदेश में जो भी वैकेंसी पोस्ट है वो जल्दी भर जाएंगे।